Kids, how are you all? I am Nisha teacher from Ashwamedh Vidyalaya. Hope you all are fine. We were studying moral subject, chapter number 1, manners. We have seen that story. Hum thoda revise kar le that yahan pe Rohit apne mumma ke saath Sharma ji ke yahan aaya hai na? और वो क्या कर रहे हैं, वो लोग ट्यूशन की बात करने के लिए आए थे, है ना। और उतने में उसके पापा का कॉल आ गया था रोहित की मदर पे, तो वो लोगों ने कन्वर्सेशन क्या किया आगे वो हम देखते हैं। वी हैव स्टॉप हियर राइट। सो हेलो, यस आई हैव ब्रॉट। वो अपने पापा के साथ बात कर रही है। किसके साथ? मीन्स रोहित के पापा के साथ। मिस टू मीट मिसेस शर्मा फॉर ट्यूशन, हिज मदर टोल्ड ओवर फोन। आई वो अपनी फ़ोन पे बातें कर रही है कि उसके पापा के साथ, कि मैं तो रोहित को ट्यूशन की बात करने के लिए मिसेस शर्मा के यहाँ पे आई हूँ, है ना। वाइल शी वॉज टॉकिंग, जब वो अपने हस्बैंड के साथ यानी कि रोहित के पापा के साथ बात कर रही थी, रोहित स्नैच द फ़ोन फ्रॉम हर हैंड्स। रोहित ने उसकी मम्मी के हाथ में से फ़ोन खींच लिया। डैड डिड यू टेक द वीडियो गेम, वो बोलने लगा। दैट आई वॉन्टेड, वो अपने पापा को बोलने लगा, डैडी आपने मेरा वीडियो गेम लिया है। ही आस्क्ड हिज फादर हु वॉज ऑन टूर, वो एक टूर पे गए हुए थे और वो लड़का रोहित अपने पापा को बोलने लगा, डैडी आपने मेरे वीडियो गेम लिया कि नहीं लिया, ऐसा करके। मिसिस शर्मा बिकेम फ्राउंड, एकदम अलग बिहेवियर, वो सोच में पड़ गई कैसा लड़का है ये। शी डिड नॉट लाइक द बिहेवियर एंड मैनर्स व्हाट शी वॉज ऑब्जर्विंग, वो जो ट्यूशन टीचर थी उसको उसका बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि क्या क्या लड़का है ये, देखो ना कैसा बिहेव कर रहा है, गंदा एकदम। रोहित गेव द फोन बैक टू हर मदर आफ्टर टॉकिंग, उसने बात कर ली और उसके बाद उसकी मम्मी को फ़ोन दे दिया। ही टोल्ड हर दैट टीचर्स डिड नॉट टीच वेल, वो रोहित ने अपनी वो जो मिसेस शर्मा थी उसको बोला कि जो स्कूल में मेरे टीचर्स हैं वो मुझे अच्छा नहीं पढ़ाती है। सन यू शुड नॉट कंप्लेन, यू शुड नॉट कंप्लेन अबाउट योर टीचर्स लाइक दैट, आपको ऐसे कंप्लेन नहीं करनी चाहिए आपके टीचर के बारे में। सेड सन यू शुड नॉट, सॉरी सेड मिसेस शर्मा, किसने बोला? मिसेस शर्मा ने रोहित को बोला। हैव यू एवर आस्क योर डाउट्स, डाउट्स मीन्स जो हमें क्वेश्चंस रहते हैं कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, अगर हम पूछेंगे नहीं तो वो क्लियर नहीं होगी। हैव यू एवर, आपने कभी भी आपकी टीचर्स को पूछा है आपके डाउट्स, जो भी आपको लगता है कि मुझे नहीं आ रहा है ऐसा, फ्रॉम योर टीचर व्हेन यू डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। डोंट अंडरस्टैंड मीन्स समझ में आना, और कॉन्सेप्ट मीन्स के पढ़ाई के बारे में चीजें। वो जो मिसेस शर्मा थी वो पूछने लगी कि कभी तुमने अपने टीचर को पूछा है, जो भी आपको डाउट हो अपने टीचर को आपने पूछा है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है। आस्क मिसेस शर्मा, मिसेस शर्मा ने पूछा। रोहित रिप्लाइड, नो मैंने कभी नहीं पूछा। रोहित मदर वॉज क्वाइटली हियरिंग द कन्वर्जेशन, कन्वर्जेशन मीन्स बातें, क्वाइटली मीन्स चुपचाप।
हियरिंग मीन्स सुन रही थी बिटवीन मिसेस शर्मा एंड हर सन। वो चुपचाप खड़े होके शांति से सब बातें सुन रही थी जो उसका बेटा मीन्स जो रोहित था वो बात कर रहा था ना उसकी ट्यूशन टीचर से। शी फेल्ट कॉन्फिडेंट एंड थॉट दैट मिसेस शर्मा वॉज द राइट पर्सन टू रीच रोहित। उसको विश्वास हो रहा था, उसको भरोसा हो रहा था, उसने सोचा कि ये जो टीचर है वो सही है रोहित को पढ़ाने के लिए, रोहित को सीधा भी करने के लिए बैड मैनर्स में से। आपके बारे में भी कोई ऐसा सोचता होगा, आपकी मम्मी या फिर सब, अगर आप बैड बिहेवियर बैड मैनर्स रखते हो तो। आफ्टर फ्यू वीक्स रोहित मदर ऑब्जर्व फ्यू चेंजेस इन रोहित बिहेवियर एज वेल एज हिज ग्रेड स्टार्टेड टू इम्प्रूव। आफ्टर फ्यू वीक्स कुछ हफ्ते बाद रोहित मदर ऑब्जर्व रोहित मदर ने देखा महसूस किया फ्यू चेंजेस कुछ चेंजेस इन रोहित बिहेवियर रोहित के जो बिहेवियर था उसमें एज वेल एज और साथ साथ उसके ग्रेड मीन्स उसके जो परसेंट ए ग्रेड बी ग्रेड वो स्टार्टेड टू इम्प्रूव वो भी सुधरने लगे। जैसे उसको पहले डी आता होगा तो उसको सी बी ए ऐसे ही आने लगे होंगे। मीनवाइल उतने में हिज फादर रिटर्न फ्रॉम द टूर हिज फादर हैव केम होम फ्रॉम द टूर। वापस आ गए हैं उसके पापा एंड टोल्ड देम दे वुड गो आउट फॉर डिनर। उन्होंने बोला कि चलो हम लोग बाहर डिनर पे जाते हैं। व्हेन रोहित ओपन द डोर ऑफ द कार फॉर हिज मदर। जब रोहित ने अपनी मम्मी के लिए दरवाजा खोला एंड इवन पुल्ड आउट द चेयर फॉर हर इन द रेस्टोरेंट। जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो जेंट्स होते हैं जैसे कि पापा लोग या फिर बेटा, वो मम्मी को कुर्सी बाहर मीन्स चेयर बाहर निकाल के देते हैं। तो ये लड़के ने वही क्या ऐसे चेयर बाहर निकाली, मम्मी आप बैठो, मम्मी को पहले कार में भी बिठाया, देखो ये कैसे बोल रहा है, मम्मी प्लीज़ आप बैठो, ऐसा बोला उसने। हिज फादर वॉज सरप्राइज उसके पापा तो एकदम सरप्राइज हो गए कि अचानक इतना चेंजेस। इन द रेस्टोरेंट ही लुक टूअर्ड रोहित्स मदर एंड आस्क हाउ द चेंज हैड कम अपॉन रोहित बिहेवियर। ही लुक टूअर्ड्स इन द रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट के अंदर किसने रोहित के पापा रोहित की मदर को पूछने लगे आस्क हिम द चेंज वो जो उसके अंदर चेंज आए वो कैसे आए, रोहित के बिहेवियर में चेंज कैसे आए। यू सी रोहित इज लर्निंग गुड मैनर्स अलॉन्ग विद ट्यूशन फ्रॉम मिसेस शर्मा। वो बोली यू सी रोहित इज लर्निंग गुड मैनर्स रोहित गुड मैनर्स सीख रहा है अलॉन्ग विद ट्यूशंस ट्यूशन के साथ साथ गुड मैनर्स भी सीख रहा है फ्रॉम मिसेस शर्मा। शी सेड सॉफ्टली उसने धीरे से बोला मस्त अच्छे से। आपको पता है कि रोहित ट्यूशन के साथ साथ अच्छी चीज़ें यानी कि गुड मैनर्स भी सीख रहा है। रोहित फादर वॉज हैप्पी उसके पापा बहुत खुश हुए। अगर आप भी गुड मैनर्स रखते हो तो आपके फैमिली वाले भी आप पे प्राउड फील करेंगे और खुश होंगे। टू सी हिज सन थैंकिंग द वेटर फॉर सर्विंग हिम फूड ऑन हिज प्लेट उसके पापा बहुत ज़्यादा खुश हो गए जब वेटर अंकल ने उसकी प्लेट में खाना रखा। आप जब होटल में जाते हो तब आपकी डिश में जब खाना रखते हैं तो आप वेटर अंकल को थैंक यू बोलते हो, वेटर अंकल ऐसा करके बुलाते हो कि ए वेटर ऐसा बुलाते हो कि फिर एक्सक्यूज मी वेटर एक्सक्यूज मी वेटर भी नहीं बोलना है एक्सक्यूज मी अंकल ऐसा बोलते हो ना आप।
या फिर ए ऐसा करके बुलाते हो, बैड मैनर्स है ये, है ना। आई एम वेरी हैप्पी टुडे, यू टुक द राइट डिसीजन इन चूजिंग मिसिस शर्मा एज रोहित ट्यूटर, ही सेड। उसके पापा ने बोला कि आज मैं बहुत खुश हूँ और तुमने बहुत राइट डिसीजन लिया है मिसिस शर्मा को रोहित का ट्यूशन टीचर बना के, है ना। आप भी ऐसे हो ना, होप आप लोग भी ऐसे ही होंगे, अच्छे अच्छे गुड गुड बच्चे। मोरल ऑफ द स्टोरी इज वी शुड रिस्पेक्ट अदर्स प्राइवेसी एंड शो गुड मैनर्स टूवर्ड एवरीवन। उसने पहले पेज पे हमने क्या देखा कि दरवाज़ा नॉक करके जाना चाहिए, बिना परमिशन के घुस नहीं जाना चाहिए, बिना परमिशन के कुछ खा नहीं लेना चाहिए, फिर ले नहीं लेना चाहिए। और हमने क्या देखा कि उसने दूसरे पेज पे जब वो ट्यूशन जाने लगा, अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने लगा, तो हमने क्या देखा कि वो रिस्पेक्ट करने लगा मम्मी की, वेटर की, हमने ये देखा ना। सो यहाँ पे ये दिया है एंड शो गुड मैनर्स टू एवरीवन। हमें हमारे संस्कार, हमें हमारे गुड मैनर्स सबको ऐसे पता चलेंगे, जब हम अच्छे बच्चे बनेंगे तब हमारे मैनर्स पता चलेंगे कि हाँ भाई ये गुड मैनर्स वाला लड़का है या बैड मैनर वाला। सो यू मस्ट हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दिस ब्यूटिफुल स्टोरी ऑफ गुड मैनर्स, राइट। सो ट्राई टू सॉल्व दिस, आप लोग पढ़ के ये क्वेश्चन MCQ एंड ट्रू और फॉल्स सॉल्व करने का ट्राई करना। फिलिंग द ब्लैंक्स भी आप कर सकते हो, है ना, फिलिंग द ब्लैंक्स भी कर सबके आंसर्स ढूंढने का ट्राई करना, ठीक है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको आंसर्स पूछूंगी, ओके, आपने किया है कि नहीं किया है। ओके देन वी विल मीट इन अ नेक्स्ट लेक्चर, टिल दैट टाइम टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू।